मुकदमा अपराध संख्या 109/2022 धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट थाना गोपीगंज जनपद पटौरी से संबंधित गैंग लीडर विजय मिश्रा पुत्र स्वर्गीय रामदेव मिश्रा निवासी खपटिया थाना हड़िया जनपद प्रयागराज द्वारा अपराध से अर्जित अवैध धन से भूखंड संख्या 48 भवन संख्या 48 गृह संस्थान प्रयागराज को अपने दामाद हरिशंकर मिश्रा के नाम से क्रय किया गया था, जिसे श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट भदोही द्वारा धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट के तहत खुल किया गया है। भदोही के पूर्व बाहुबली विधायक विजय मिश्रा पर कानून और योगी सरकार का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। इसी कड़ी में भदोही पुलिस ने संगम नगरी प्रयागराज में माफिया घोषित किए गए विजय मिश्रा की एक और बेनामी संपत्ति को कुर्क कर लिया है। ये बेनामी संपत्ति प्रयागराज शहर के अल्लापुर इलाके में स्थित थी। कुर्क की गई आलिशान बिल्डिंग की अनुमानित बाजारू कीमत 35 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इस बिल्डिंग में किराए पर एक नर्सिंग होम भी चलता था। हालांकि प्राइवेट अस्पताल कुछ दिनों पहले ही दूसरी जगह शिफ्ट हो चुका था। इस जगह को अब स्टोर के तौर पर ही इस्तेमाल किया जाता था। बाहुबली विजय मिश्रा के खिलाफ ये कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत की गई है। कुर्की की इस कार्रवाई के लिए भदोही के डीएम ने 15 मार्च को ही आदेश जारी किया था। 295 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में बनी आलिशान बिल्डिंग बाहुबली विजय मिश्रा के दामाद हरिशंकर मिश्रा के नाम पर थी। विजय मिश्रा ने इस संपत्ति को अपराध के जरिए अवैध तरीके से अर्जित किया था। लोगों को इस संपत्ति के बारे में जानकारी ना हो, इसके लिए विजय मिश्रा ने इसकी रजिस्ट्री अपने दामाद हरिशंकर मिश्रा के नाम करा रखी थी। इस प्रॉपर्टी को कुर्क करने के लिए भदोही पुलिस की टीम शाम के वक्त प्रयागराज पहुंची थी। यहां बिल्डिंग में रखे गए सामान को पहले बाहर निकलवाया गया, इसके बाद वहां कुर्की का पोस्टर भी चस्पा किया गया। बिल्डिंग कुर्क करने के बाद उसे सील भी कर दिया गया और पुलिस ने वहां पर अपना ताला जड़ दिया। भदोही पुलिस ने यह कार्रवाई विजय मिश्रा के खिलाफ पिछले साल गोपीगंज थाने में गैंगस्टर के मुकदमे में डीएम के आदेश पर की। भदोही पुलिस इससे पहले भी प्रयागराज में बाहुबली विजय मिश्रा की कई संपत्ति को कुर्क कर चुकी है। विजय मिश्रा की दो आलिशान बिल्डिंग पर कुछ साल पहले यहां बुलडोजर भी चल चुका है। इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।